प्रभु श्री राम, जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोष दशरथ दर बिहारी। श्री हनुमान की स्वत्वन प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय गार बसहि राम सरचा पधर। अतुलित बल धाम हेम शैलाभ देहम, धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम गगण्यम, सकल गुण निधानम बानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गोष्पदे कृत वारिशम अशके कृत राक्षसम, रामायण महा मालारतनम, वंदे अनिलातम जम, अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम, कपीशम क्षहंतारम, वंदे लंका भयंकरम, उलंघयम सिंधो सलिलम सलिलम यह शोक वहिलम। जन कातम जाया आदाय तैनैव ददाह, लंका नमामि तम। प्राञ्जलि राजनेयम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियम यु बुद्धिमतामृतम, वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम, श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। आंजनेय मतिपाटलाननम कांचनाद्रिकम निय विग्रहम, पारिजात तरुमूलवासिनम भावयामि पवमाननंदम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्त कांजलिम, बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमतम राक्षसांतकम। जय हनुमान जी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ जर बिहारी। किष्किंधा कांड। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तन बरनी न जाय, उभय घरी में दीनी सात पर दक्षिंधाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने दो ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की सात प्रदक्षिणाएं कर ली थी। जय हो श्री रामचंद्र भगवान, जय हो। अंगद कही जाऊं मैं पारा जय सिया राम, जिय संशय कछु फिरती बारा जय सिया राम। जामंत कह तुम सब लायक जय सिया राम, पठिय किमी सब ही कर नायक जय सिया राम। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सब के नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कही रीछपति सुन हनुमाना जय सिया राम, का चुप साधि रहे बलवाना जय सिया राम। पवन तन्य बल पवन समाना जय सिया राम, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना जय सिया राम। ऋषिराज ऋक्षराज जामवान ने हनुमान जी से कहा हे हनुमान हे बलवान, सुनो तुमने यह क्या चुप पिशाद रखी। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही जय सिया राम,
जो नहीं हो ही तात तुम पाही जय सिया राम। राम काज लगी तब अवतारा जय सिया राम। सुनत ही भयो पर्वताकारा जय सिया राम। जामवान जी ने कहा, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा जय सिया राम। मान हूँ अपर गिरि नकर राजा जय सिया राम। सेहनाद करी बार ही बारा जय सिया राम। लील ही नाग हूँ जल्दी खारा जय सिया राम। उनका सोने सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग जाऊंगा। सहित सहाय रावण ही मारी जय सिया राम। आन ओहान यहाँ त्रिकूट उपारी जय सिया राम। जामवंत मैं पूछू तो ही जय सिया राम। उचित सिखावन दीजो मोही जय सिया राम। हनुमान जी कहते हैं, और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर मैं यहाँ ला सकता हूँ। हे जावान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहू तात तुम जाई जय सिया राम। सीत ही देखी कहू सुधी आई जय सिया राम। तब निज भुजबल राजीव नैना जय सिया राम। कौतुक लागी संग कपि सेना जय सिया राम। जामवंत ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना साथ लेकर जाएंगे। कपिसेन संग संहारी निश्चर राम सीतहियानी है। तर लोग पावन सुज सुसुर मुनि नारदा दीव खानी है। जो सुनत गावत कहत समझित परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने गाने कहने और समझने से मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भवेश जरघुनाथ जसु सुनहि तेजे नर अरुनारी। तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। करो कल्याण जय जय राम। श्री रघुवीर जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग को की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक। सुनियता सुगुण ग्राम जा सुनाम अग खग बधिक। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। करो कल्याण जय जय राम। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बदिक व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह लीला के को अवश्य सुनना चाहिए। जय हो श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवभूष दशरथ जर बिहारी। ये किष्किंधा कांड है। हनुमान जी अपने बल को भूल गए थे,
जामवंत जी ने उनको उनका बल याद दिलाया, तब हनुमान जी को बहुत क्रोध आया रावण के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैं रावण को उसके सहायकों के सहित मारकर सीता माता को ला सकता हूँ, लेकिन जो उचित सलाह हो वो मुझे बताइए। फिर जामवंत जी ने कहा आपको सीता माता को नहीं लेकर आना है, रावण को नहीं मारना है, आप केवल सीता माता को देखकर और उनकी खबर लेकर श्री रामचंद्र जी को बताइए, ताकि श्री रामचंद्र जी रावण को मारकर और सीता जी को लाएं। जय हो श्री रामचंद्र। सुंदरकांड अर्थ सहित अगली वीडियो में कहूँगी। ये किष्किंधा कांड है, इसमें हनुमान जी जामवंत को उनका बल याद दिला रहे हैं जो कि वो भूल गए थे। जय हो श्री रामचंद्र।